अपने को एक स्टेटमेंट आ इन ऊपर 3 डर स्कोर दे विच कन्वर्ट करना ते कन्वर्ट करने तो पहले आप समझ लें कि एक किस तरह एग्जीक्यूट होंगी है। फिर पहले एक दफ़ा ना नंबरिंग कर लेंगे कोड की, तो 3 4 5 6 7 8 ते इस तरह तुम जानते हो ना कि इफ एल्स ये दो कंडीशन लगी हुई, इफ ए लैस दैन बी एंड सी लैस दैन डी दैन टी इज इक्वल टू 1। यानी अगर दोनों कंडीशन ट्रू होनगियाँ फिर टी नू 1 साइन हो जाएगा, एल्स आप यानी दोनों जो एक कंडीशन भी फॉल्स होंगी आप टी नू 0 साइन कर देंगे। तो ये कंपाइलर पहले इन कितना एग्जीक्यूट करेगा, पहला वो ए तो बी नू इस कंडीशन टेस्ट करेगा, अगर ये ट्रू हो जाएगी तो वो की करेगा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि फिर इनू टेस्ट करेगा, अगर ये भी ट्रू हो जाएगी तो ये टी नू 1 साइन कर देगा, अदरवाइज पहले इनू टेस्ट करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो वो टी नू 0 साइन कर देगा, अगर ट्रू हो जाएगी तो दोबारा इनू टेस्ट करेगा, अगर ये भी फॉल्स हो जाएगी, अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर दोबारा फिर भी वो टी नू 0 साइन करेगा। मतलब फॉल्स के केस में ना वो इनू देखेगा, अगर तो फॉल्स हो जाती है तो टी 0 होंगे, अगर ट्रू होती है तो इनू भी देखेगा, अगर अगर ये भी फॉल्स अगर ये फॉल्स होती तो भी टी नू 0 ही साइन करेगा। खैर हम अपना कोड करके देखते हैं, पहले आप किया इफ ए लैस दैन बी, अगर ए बी तो लैस हैगा तो की करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है उदो आप गुड लाने टू द केस, वो किसी नैक्सट लाइन से मूव करेगा जिथे की करेगा जिथे वो सी डी नू भी कंपेयर करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाता तो फॉल्स वाले वो इतने आ जाएगा, इतने आप कर सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं कि फॉल्स होकर आ एग्जीक्यूट होएगा, लेकिन अगर अगर आ ट्रू हो जाता उस तो बाद आ फॉल्स हो जाता तो फिर भी एग्जीक्यूट करना, इस वास्ते आ इस कोड में आप किसी एक जगह लिखते हैं, ये लिखने बजाय इतने बस आप गो टू ला देते हैं ताकि कोड की रेपीटेशन ना हो, अदरवाइज तुम इतने भी लिख सकते हो लेकिन जस्ट ना कोड में ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने वास्ते कोड की रेपीटेशन ना हो, मैं इतने गो टू ला दता तो उस तो बाद आप आए इधर, पहले आप टेस्ट किया ए लैस दैन बी तो अ ट्रू हो गया, हुण आपां आउंदे हां लाइन नंबर 3 ते, इत्थे करदे हां इफ सी लैस दैन डी, ए वी अगर ट्रू हो जाता मतलब कि आपां पहले आ टेस्ट किया ए लैस दैन बी ट्रू हो गया तो आपां फिर सी लैस दैन डी टेस्ट करना, इस बार इत्थे लवांगे लाइन नंबर 3 कि अगर आ ट्रू होंदा तां आपां लाइन नंबर 3 इत्थे आ गए, हमें भी ट्रू हो गया तो आप अगे मूव करा वो हले लाइन नंबर नहीं लिखते, तो अगर ये फॉल्स हो जाता तो आह टी इक्वल टू 0, अगर आह ट्रू हो गया मतलब क्या फॉल्स हो गया तो आ चलेगा ना एल्स वाला जो कि आप इतने चलाना सगा वो हम इतने चला लेंगे, इतने लिख देते हैं टी इक्वल टू 0, तो इतने लिख देते हैं गो टू 4, ठीक हो गया। अपना इनू डायरेक्ट इधर भी लिख सकते थे लेकिन मैं क्या कोड रिपीट ना हो इधर आ गया, हूँ इतो जो टी इक्वल टू 4 हो गया हूँ अपने को एस आ गया था इनू बाहर कढ़ना इतों पूरे दे पूरे इफ एस ब्लॉक तो थल लिख देंगे गो टू वो लाइन नंबर लिखेंगे जितने आप बाहर जाना है हाले वो लाइन नंबर स्पेसीफाई नहीं करते, हाले आप लिखते हैं कि अगर आ भी ट्रू हो गई तो मुड़ के आ भी ट्रू हो गई थे आप फिर करना आह एग्जीक्यूट करना है ना उस लिखते हैं इतने गो टू करते हैं 6, इतने आप करते हैं टी इक्वल टू 1, लो इतने आके तक अपना पूरा का पूरा इफ एल्स ब्लॉक से खत्म हो गया, तो लाइन नंबर 7 से आके बाकी जो कोड है वो चलेगा, तो ये मतलब जो इन करते हैं लाइन नंबर 7 चुके इतने आप ब्लॉक तो बाहर कढ़ना सगा, लो जी इतने आ गया ये अपना जो कोड से ना वो कन्वर्ट हो गया।